हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडी एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज। तो इसमें हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 30 क्वेश्चन की। सुबह के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन और कल से हम लोग 50-50 वो जो मतलब कि क्वेश्चन के फिर से हम लोग उसको 50-50 करके कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कंट्रोल करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। विथ सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसक लॉ, जूल्स लॉ। तो इसमें सभी सही हैं, ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। अब थर्ड है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI यूनिट। देखिए SI यूनिट में जो टेम्परेचर का होता है यूनिट वो होती है केल्विन, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। मैक्सिमम लोग सेल्सियस लगा देते हैं जबकि वो केल्विन होता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ है, द यूनिट ऑफ मास इन SI यूनिट किलोग्राम। ये तो सबको पता होता है। द यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, ये भी पता होता है। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं टेटवर्ड उसमें टेम्परेचर में, ओके। तो वो है केल्विन। इसके बाद सिक्स्थ है, द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर इन SI यूनिट। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट जूल, ठीक। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर अ परफेक्ट है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वॉल्यूम होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नाइन्थ है, अकॉर्डिंग टू गे लुसक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास वेराइज डायरेक्टली एज। तो ये वेराई करेगा डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। टेंथ है, एन आइडियल गैस एज कम्पेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। तो आइडियल गैस रियल गैस के कंपेयर में एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई करेगी मोर वॉल्यूम, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद जनरल गैस इक्वेशन क्या है इनमें से, पीवी इक्वल टू MRT, ओके। ट्वेल्थ है, गैस लॉज आर अप्लीकेबल टू सिर्फ गैस के लिए वैलिड है ना कि वेपर के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 30th है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉस कुड बी अप्लीकेबल विद इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक। ना तो स्टीम ले सकते हैं, ना वाटर वेपर, ना मॉइस्चर, ठीक। ना आप स्टीम वेपर ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एयर। इसके बाद आपका 15th है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है इन SI यूनिट में, पास्कल। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द परफेक्ट गैस इक्वेशन P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 कैन बी यूज्ड ओनली टू डिटरमाइन वन प्रॉपर्टी एट वन ऑफ द स्टेप प्रोवाइडेड ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर नोन, ठीक। ठीक, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 17th है, अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच मास क्रॉस ना करे बाउंड्री को, एनर्जी कर सकती है, ठीक। और ओपन में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ही क्रॉस कर सकते हैं, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसने हमसे क्लोज सिस्टम के लिए पूछा था। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। इसके बाद 18th है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो टेम्परेचर किसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है गैस में, वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो 19th है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज ऑब्टेन व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जब ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तब वो टेम्परेचर मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेंड होगा। इसके बाद 20th है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज अज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 21 है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू, तो ये होता है 2E/3, ठीक। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 2E/3 के बराबर। इसके बाद 22 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 23 है, सुपर हीटेड वेपर बिहेव करती है अप्रॉक्सीमेटली एज अ गैस की तरह, ठीक।
मतलब वो गैस की तरह बिहेव करती है, सुपर हीटेड वेपर। इसके बाद 24 है बॉयल्स लॉ क्या होता है, ठीक। तो बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, ओके। 25th क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अकर करेगा, व्हेन मॉलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट। तो देखिए आपका कोई भी लिक्विड लिक्विड की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब, जब जीरो प्रेशर होगा, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 27 है द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट, तो वो कितनी होगी, वॉट, ठीक। करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 28 है द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वेव, द कंडीशन ऑफ दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अटेंड करेगा, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 29 है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 30 है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, जो सी पी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 1। और अगर इसमें गामा की वैल्यू पूछ लेता रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी, तो वो होती 1.41। और अगर आपसे सिर्फ सी वी की वैल्यू पूछता तो वो होती 0.718, ठीक। तो इसमें आपसे सी पी वैल्यू पूछिए तो वो होगी 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन, ठीक। तो इसके बाद हम लोग कल हम लोग इसमें फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे 50-50 क्वेश्चन करके। तो इस तरह से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वो कंप्लीट करेंगे, ठीक। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।